हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो एमएससी फिजिक्स क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आज मैं आपके सामने हूं। और क्वेश्चन है कि जो बाउंड्री कंडीशंस है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज को सबसे पहले हम समझने वाले हैं, उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि जो बाउंड्री कंडीशन है उसका यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो कैसे पड़ता है और क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो है क्या। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो वेव ऑप्टिक्स में हम एक लॉ पढ़ते हैं जिसको क्या कहते हैं हम, स्नेल्स लॉ ना। वेव ऑप्टिक्स में हम एक लॉ पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि एक इंटरफेस होती है, उस इंटरफेस के एक तरफ एक मीडियम होता है और दूसरी तरफ दूसरा मीडियम होता है। और जब कोई रे एक मीडियम से मीडियम फर्स्ट से मीडियम टू में एंटर करती है तो ये रे या तो इस नॉर्मल लाइन से दूर हटती है और या इसके पास आती है। और फिर ये जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस होता है जहाँ ये दोनों मीडियम अलग होते हैं, यानी कि इंटरफेस वो जगह है जो इन दोनों मीडियम्स को अलग करता है। तो यहाँ इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, कुछ इस तरह का हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि इंटरफेस एक तरह से किसका काम कर रहा है, बाउंड्री का काम कर रहा है। जब रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर कर रही है तो इस इंटरफेस की वजह से उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लग रही है ना। इस इंटरफेस के ऊपर वजह से उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लग रही है, तो ये जो कंडीशंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कंडीशन। तो ठीक इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक मीडियम से और दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो वो इंटरफेस जो दोनों मीडियम्स को अलग करता है, तो वो इंटरफेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को एंटर कराने के लिए कुछ कंडीशंस लगाता है जिन्हें क्या कहते हैं, बाउंड्री कंडीशंस। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है। मैं वापस से बोल देता हूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है और वो इंटरफेस जो दोनों मीडियम्स को अलग करता है या दोनों जगहों को अलग करता है, तो वो इंटरफेस दोनों के बीच में कुछ कंडीशंस लगाता है, उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब ये जो बाउंड्री कंडीशन है, इस बाउंड्री कंडीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहता है, वो डिसकंटिन्यूस रहता है। ठीक है, एट बाउंड्री इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूस। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ वो कैसे समझे। देखो, मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है P और इस पर कोई चार्ज है Q। हमें ये पता है कि इस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेट सपोज ये कोई r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये r डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि यदि मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का, तो मेरे को एक इस तरह का ग्राफ मिलेगा जिसमें डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज मेरे को ये देखने को मिलती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेचर में कंटिन्यूस है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा बन रहा है, कंटिन्यूस बन रहा है। मतलब कि अगर इसकी वैल्यू लगातार कम हो रही है तो कम ही हो रही है, बीच बीच में ग्राफ कहीं भी टूट नहीं रहा है, कर्व कहीं भी टूट नहीं रहा है। तो ये जो कर्व बन रहा है ये क्या है, कंटिन्यूस है। अब हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस पी पॉइंट की वजह से बन रहा है और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पर है। ठीक है, मान लो ये आर डिस्टेंस है यहाँ। अब मैंने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज सरफेस को रख दिया। ठीक है, किसको रख दिया, एक चार्ज सरफेस को रख दिया। यहाँ पर इस तरह से मैंने एक चार्ज सरफेस बना दी, ये सरफेस बना दी मैंने, चार्ज सरफेस। ठीक, ये क्या है, ये है चार्ज सरफेस। तो ये चार्ज सरफेस बना दी और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। मान लो ये प्लस पॉजिटिवली चार्ज है, ये जो सरफेस है ये पॉजिटिवली चार्ज है।
पॉजिटिवली चार्ज है तो हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अवे फ्रॉम द क्या आएगा, शीट आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इस शीट की वजह से, तो इसकी अगर ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस वन है और ये सरफेस टू है, तो इस सरफेस की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, लेट्स सपोज ये ई1 है, और इस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये ई2 है। ये बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रही होगी कि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे ली है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि पॉजिटिव अगर चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ठीक है, अब ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी वैल्यू हमेशा किधर थी, अवे फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि इस लाइन के ऊपर था, अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब मैंने जब इसके बीच में ये शीट रख दी है, पर जब इस शीट को रख दिया है तो इस शीट को रखने से क्या हो गया, देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट है, पर जैसे ही मैं इसके पास पहुंच रहा हूं, यहां पर पहुंचता हूं तो मेरे को क्या दिखता है कि इस चार्ज की वजह से ना, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है किधर, अवे फ्रॉम द पॉइंट, वो तो है किधर, अवे फ्रॉम द पॉइंट। एक मिनट रुक, Always scan this section. Start on screen keyboard. तो मेरे को क्या दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की वजह से वो है टुवर्ड्स, मान लो ये पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव एक्स की तरफ, और जबकि इस जो यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये चार्ज सरफेस है, चार्ज सरफेस के लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये कौन सी साइड हो गई, राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जबकि अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड में अगर मैं देखता हूं तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किधर होगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ, और जो चार्ज सरफेस है उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ। यानी कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने देखने को क्या मिला कि शीट के लेफ्ट और राइट में, शीट के लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अब सेम नहीं रहा, उसके लेफ्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होने लग गई जबकि उसके राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, मेरे को डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, इसके लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर रख दी मैंने शीट, ये शीट बना दी, ये शीट हो गई, और इसके राइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जब ये यूनिफॉर्म चार्ज सरफेस मैंने यहाँ पर रखी तो जो कर्व है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं रहा। तो यहाँ पर जो कर्व है वो क्या रह गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो हमने जो लिखा कि जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब हम इस चीज को प्रूव करने वाले हैं कि बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने दो चार्ज लिए, ये दोनों चार्ज बहुत पास पास है, मान लो एक चार्ज है वन और एक चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिखा मैंने E1, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको लिखा मैंने E2। फिर इन दोनों के मैंने वेक्टर कर लिए, तो एक वेक्टर लॉन्ग टू द प्लेन इसको लिखा मैंने E2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, एक वेक्टर ये हो गया E1 पैरेलल, इसी तरह से इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया E1 परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसका हो गया E2 परपेंडिकुलर। अब हम क्या करें कि इनके बीच में कोई इंटरफेस रखते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज सरफेस को एंटर करा दें, तो यूनिफॉर्म चार्ज सरफेस को एंटर इनके बीच में करा दे तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो हमें देखना।
उसके लिए मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस बना ली पहले, ठीक है। तो मान लो ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है मेरी, ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है, यूनिफॉर्म चार्ज सरफेस, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज सरफेस है। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा है, राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है उसको समझने के लिए पहले के लेक्चर्स इसके आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो दो पॉइंट लिए हुए हैं वन और टू, इन वन और टू पॉइंट्स को मैंने सरफेस के ऊपर और नीचे ले लिया, ये वन आ गया और ये आ गया टू, यानी कि एक पॉइंट आ गया अबाउ द सरफेस और एक पॉइंट आ गया बिलो द सरफेस, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन ये थी, ये हो गया ई वन, और इसका जो पैरेलल कंपोनेंट था वो ये आएगा ई वन पैरेलल, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ये था ई वन परपेंडिकुलर। इसी तरह से इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ऐसे था ई टू, इसका पैरेलल कंपोनेंट ये आएगा ई टू पैरेलल, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कितना होगा ई टू परपेंडिकुलर। एक चीज और ये हमें पहले से पता है कि जो यूनिफॉर्म चार्ज शीट है उसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो शीट के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, जबकि नीचे वाला पोर्शन है वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि शीट की वजह से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ऊपर वाले पोर्शन की वजह से तो ये वैल्यू आएगी ये, और नीचे वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो नीचे वाले पोर्शन में यानी कि बिलो द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, जबकि अबव द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है, यहाँ पर जो नेट वैल्यू है इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या हो रही, कम हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो हम एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, गाउसियन सरफेस बहुत छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर इस चीज को दिखाने के लिए मैं उसको क्या बना रहा हूँ, बड़ा बना रहा हूँ। मैंने एक गाउसियन सरफेस ली, ये गाउसियन सरफेस आ गई मेरी, और ये नीचे तक पहुंचनी चाहिए, नीचे तक पहुंचाने के लिए मैंने इसको नीचे तक बना दिया ऐसे, तो ये एक बॉक्स की तरह दिख रहा है ना, किसकी तरह दिख रहा है, एक बॉक्स की तरह। तो ये मेरी क्या बन गई, एक गाउसियन सरफेस बन गई, जो कि किसकी तरह दिख रही है, बॉक्स की तरह दिख रही है। तो गाउसियन सरफेस की जो ये डिस्टेंस है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैंने लिखा डीएल, इस डिस्टेंस को मैंने कितना लिखा डी लिखा, डी इज वेरी स्मॉल, डी इज वेरी स्मॉल, यानी कि हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है, और इसको हम कितना मान सकते हैं, नेग्लिजिबल, यानी कि जीरो के बराबर। तो मेरे को गाउसियन जो सरफेस है उसमें दो सरफेस दिख रही है, तो ये सरफेस बन रही है मेरी, ठीक है, ये सरफेस बन रही है, और एक कौन सी सरफेस बन रही है, नीचे वाली सरफेस बन रही है, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है उसको हम नेग्लिजिबल मान चुके हैं, तो ये सरफेस बाकी की जितनी भी सरफेस हैं वो सरफेसेस क्या हो जाएंगी, खत्म, केवल ऊपर और नीचे वाली सरफेस दिखेगी। और इसका भी जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, लेट सपोज इनका गाउसियन सरफेस का एरिया है ए, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी डीएस, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी डीएस, ठीक है। तो इस सरफेस को नाम देता हूं मैं वन, और इस सरफेस को नाम देता हूं टू। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल्स टू किसके होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें गाउसियन सरफेस के अंदर क्या निकालना पड़ेगा, ए चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, गाउसियन सरफेस का एरिया जो है, क्योंकि दोनों सिमिलर है तो हमने मान लिया वो एरिया है ए, ठीक है, लेट एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस इज ए, एरिया ए मान लिया, क्योंकि चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है कितनी है सिग्मा, तो चार्ज ऑफ गाउसियन सरफेस, तो गाउसियन सरफेस जो है उसका जो चार्ज हो जाएगा क्यू इन, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए।
तो ये सिग्मा इंटू ए मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन डॉट। अब मेरे पास कुल मिलाकर दो सरफेस है, एक है वन और एक है टू, तो दोनों सरफेस के लिए मैं अलग अलग गाउसियन फॉर्मूला लिख देता हूँ, यानी कि इसको लिख दूंगा ई वन डॉट डी एस प्लस ई टू डॉट डी एस और सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन डॉट। अब ई वन डॉट डी एस है, यानी कि जो गाउसियन सरफेस के ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उनका कॉस कितना होगा जीरो। और E2 और जो DS है, E2 मतलब E net जो और DS दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनका जो कॉस एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा E1 परपेंडिकुलर, DS को कितना लिख रखा है A, और ये कितना हो जाएगा कॉस 0 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा E2 परपेंडिकुलर और A, और ये कितना हो जाएगा कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हर जगह से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मेरे को क्या दिख रहा है बचता हुआ, यहाँ दिख रहा है E1 परपेंडिकुलर माइनस E2 परपेंडिकुलर अपॉन इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को ये दिख रहा है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है इंटरफेस पे, यानी कि वो डिसकंटिन्यू शो कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहे हैं कहां पर, इंटरफेस पे। तो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटरफेस। पर अब एक चीज ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट का मतलब एक तो है टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक है परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब हमें ये चेक करना है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उस पर कोई चेंज होगा इंटरफेस की वजह से या नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन से थे, ई वन पैरेलल और ई टू पैरेलल। इसको समझने के लिए हमने जो हमारी गाउसियन सरफेस था उसका एक पार्ट बाहर निकाल लिया, यानी कि सामने वाला पार्ट इस तरह से मैंने बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकाल लिया। ठीक है, मान लिया ये जो डिस्टेंस है ये कितनी थी, डीएल थी। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है ये मानी हुई हमने डी, और डी को हमने क्या माना हुआ है, नेग्लिजिबल। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों की वजह से है, नीचे वाली सरफेस की वजह से इस डायरेक्शन में है वो कितना है E2 पैरेलल, और ऊपर वाली जो सरफेस है उसकी वजह से E1 पैरेलल, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E या कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। ठीक है, वी नो दैट कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होता है, जीरो, यानी कि फाई ई डॉट डी एल बराबर होता है जीरो के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। इस चीज को हम प्रूव भी कर चुके हैं, ये चीज आप पहले के लेक्चर्स में देख सकते हैं। अच्छा, किसी को कोई डाउट आ रहा हो, किसी को भी क्वेश्चन आ रहा हो, तो अपने जो क्वेश्चंस हैं, अपनी जो क्वेरीज है वो कमेंट में लिख के भेज सकता है, जैसे ही मैं आपके डाउट या क्वेरी को देखूंगा तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो मैंने कहा यहाँ पर जो इसका कर्ल है डॉट प्रोडक्ट लाइन इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्लोज लूप में, तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करें हम, मैं मान लेता हूं कि हम जो क्लोज इंटीग्रेशन बना रहे हैं वो इस तरह से बना रहे हैं, यानी कि हम ऐसे चल रहे हैं, जो क्लोज लूप बना रहे हैं वो ऐसे बना रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ऐसे चलने का मतलब क्या हो गया, जो ई डॉट डी एल है उसको मैं ऐसे लिखूं, एक ये हो गया। तो पहले वाले के लिखा मैंने वन और इसको लिखूंगा मैं, या इसको टू ही रहने दो, इसको लिखूंगा मैं वन। तो टू के लिए हम जब मैं चलता हूं तो इसको लिखूंगा ई टू पैरेलल डॉट डी एल, और फिर वन के लिए लिखूं तो वन के लिए क्या लिखूंगा, ई वन पैरेलल डॉट डी एल, और इसके ये किसके बराबर है, जीरो के। अच्छा जी, ई टू पैरेलल
DL जो है DL डॉट DL यानी cos 0, तो इनिशियली दोनों सेम डायरेक्शन में, यहीं पर L है इसी डायरेक्शन के अंदर और इसी डायरेक्शन के अंदर E है, ये क्या बन जाएगा L और ये हो जाएगा cos 0 डिग्री और प्लस E1 पैरेलल L, ये कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री। अब ये cos 180 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे और E इस डायरेक्शन में, तो दोनों ऑपोजिट हो गए, तो यहाँ से L L L हर जगह से कटेगा, तो यहाँ से E2 cos 0 की वैल्यू 1 पैरेलल ये माइनस हो जाएगा क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, तो ये वन हो जाएगा E1 पैरेलल बराबर 0। यहाँ से मेरे को मिल रहा है कि E2 पैरेलल इक्वल्स टू E1 पैरेलल, इसका मतलब क्या हुआ, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटरफेस का होना उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, यानी कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देर इज नो इफेक्ट ऑफ बाउंड्री ऑन टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट पर बाउंड्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब मैं इन जनरल अगर बात करूं, इन जनरल का मतलब मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहूं E अबव माइनस E बिलो के, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं E अबव माइनस E बिलो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो दो पार्ट में मैंने तोड़ा हुआ है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाया हुआ है और एक पैरेलल बनाया हुआ है। अब ये E परपेंडिकुलर और E पैरेलल दोनों के दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड है, मेरे को इनको बदलना है किस में, मेरे को बदलना है इनको वेक्टर में। तो वेक्टर में बदलने के लिए क्या करें, जैसे कि ये E है, ये इसका क्या है E पैरेलल और ये कौन सा कंपोनेंट है E परपेंडिकुलर, इनको वेक्टर में बदलने के लिए, अभी क्या ये मैग्नीट्यूड है, इनको वेक्टर में बदलने के लिए मैं क्या करूं कि इनको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं। तो मान लो कि पैरेलल डायरेक्शन में मैंने इनको P यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने इनको N यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड में जो लिखे हुए हैं ये वेक्टर में बदल जाएंगे, तो इनका जो मैग्नीट्यूड, जो इनका रिजल्टेंट जो कि E है, वो भी किस में आएगा, वेक्टर में आएगा। यहाँ पर भी अभी वेक्टर में लिखा हुआ है, तो मैंने इनको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराने के बाद E अबव की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, E अबव को हमने 1 लिया था, तो E 1 परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई किया है नीटा गैप से, प्लस E 1 पैरेलल इसको मल्टीप्लाई किया है P गैप से, माइनस E बिलो। E बिलो कितना, E 2 परपेंडिकुलर नीटा गैप प्लस E 2 पैरेलल और पी के, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा, पहले इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये बनेगा E1 परपेंडिकुलर ईटा कैप प्लस E1 पैरेलल पी कैप माइनस E2 परपेंडिकुलर ईटा कैप प्लस माइनस E2 पैरेलल पी कैप। अभी अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, सिंस E1 पैरेलल इक्वल है किसके, E2 पैरेलल के, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा E1 परपेंडिकुलर माइनस E2 परपेंडिकुलर और कॉमन कितना ले लिया हमने डेटा के। वी नो दैट क्या कि E1 परपेंडिकुलर माइनस E2 परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डॉट। ये वैल्यू को यहां पर रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा E अबव माइनस E बिलो बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डेटा के। हमने ये वैल्यू की जगह यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन के आ गया। और इससे हमें पता लग रहा है कि जो बाउंड्री कंडीशन है या इंटरफेस है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि पोटेंशियल पर भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो पोटेंशियल के ऊपर चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल
का हम जानते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो वी नो दैट कि जो पोटेंशियल है V, वो बराबर होता है माइनस ऑफ ई डी आर के. अब जो हमारी सरफेस है, ये सरफेस, इसमें यहां से यहां तक ये पॉइंट दो है और ये एक पॉइंट है, तो यहां से यहां तक इसका इंटीग्रेशन होगा. वो कौन सा इंटीग्रेशन होगा? लाइन इंटीग्रेशन. और लाइन इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ रहा है? जीरो. तो वी वी माइनस वी ए बराबर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी वन माइनस वी टू. और ये लाइन इंटीग्रेशन है, यानी कि ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल की जो वैल्यू है वो कितनी है? जीरो. यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा? वी वन इक्वल्स टू वी टू, यानी कि जो पोटेंशियल है उस पर बाउंड्री कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो देर इज नो इफेक्ट ऑफ बाउंड्री कंडीशन ऑन पोटेंशियल. पोटेंशियल के ऊपर बाउंड्री कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अच्छा, इसके बाद वापस से एक बार पीछे चलें, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है E above minus E below is equals to, we know that E above minus E below, ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और नीटा केप के. हम ये भी जानते हैं कि सिंस जो ई है वो बराबर होता है माइनस ऑफ ग्रेड वी के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. मैं क्या करूंगा? यहां पर इसको रिप्लेस करूंगा. तो रिप्लेस करूंगा तो मैंने लिखा इसको माइनस डेल वी अबव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस डेल वी बिलो. और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और नीटा के. अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको दोनों साइड नीटा से डॉट प्रोडक्ट करने वाला हूं. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो डेल्टा वी अबाउ नीटा के डॉट प्रोडक्ट पे आई, प्लस डेल्टा वी बिलो नीटा के, ये भी डॉट प्रोडक्ट में है. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नीटा के डॉट नीटा के, नीटा के डॉट नीटा के क्या बन जाएगा? वन बन जाएगा. ये तो हमारे पास बच गया ये ना. तो इस चीज का मतलब क्या होगा? देखो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है डेल्टा वी का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज, यानी कि डी अपॉन, अब उस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, किस डायरेक्शन में? जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो यदि मैं इसको नीटा कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यानी कि नीटा कैप के डायरेक्शन में इसमें क्या निकलेगा? मैक्सिमम चेंज निकलेगा. तो मैं ये जो वैल्यू है इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं डी वी अबव अपॉन डी एन डीटा, और इसको लिख सकता हूं डी वी बिलो अपॉन डी नीटा. ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डॉट. यहां से इसको फर्दर मैं जब चेंज करूंगा तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा डी वी बिलो अपॉन डी नीटा माइनस डी वी अबव अपॉन डी नीटा इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया पोटेंशियल में और किसमें? सरफेस चार्ज डेंसिटी में. तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया. तो ये था ऑल अबाउट किसके बारे में? बाउंड्री कंडीशन का इफेक्ट किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो बाउंड्री कंडीशन है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका प्रूफ हम कैसे करेंगे. तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. एग्जाम में आपको किस तरह से लिख के आना है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें और ये वीडियो भी पहुंच सके. तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.